क्या कर रहे हैं डिब्बे? डेकोरेशन देख रहा था। आएगा आएगा, ऐसे बैठने का तेरा टाइम भी बहुत जल्द आएगा, अभी खड़ा हो जा। वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा भाई, सोडी ने क्लब हाउस को जबरदस्त सजाया है। पोपट अंकल, सोडी अंकल ने नहीं सजाया है, टप्पू सेना ने सजाया है। हाँ नहीं, मेरा मतलब था कि जिसने भी सजाया है बहुत अच्छा सजाया है। जिसने भी नहीं पोपट अंकल, टप्पू सेना ने सजाया क्लब हाउस। हाँ, मेरा मतलब है कि टप्पू सेना ने आज ये सोडी का जो सेलिब्रेशन है इसके लिए क्लब हाउस को जबरदस्त सजाया। थैंक यू। पर जिसके लिए सब डेकोरेशन किया है वो स्पेशल कपल है कहाँ? सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग सब तैयार हो जाइए। अरे तैयार तो हो गए, और कितना तैयार होंगे? और मेरा मतलब है मम्मी पापा के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। प्रेजेंटिंग यू आज के राजा तहीर। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। भाइयों ते पापियों, चाचा जी ते टप्पू सेना भाई, आप सबका लख लख धन्यवाद जो आप लोग आज यहाँ आए और हमारे इस स्पेशल दिन को और स्पेशल बना दिया। अरे हाँ, ओ भाई तो फिर बजाओ हॉर्न, ये पार्टी शुरू करो फौरन। और दो दिन के लिए जाना पोस्टपोन कर दिया, अंदर यार दिया ओ क्या ओ इन्हों कहंदे यारी। बजाओ ढोल तो बनाओ माहौल। ओए ओए ओए, ब्रेका लाओ ब्रेका लाओ। ये फ्रेंड्स भी आ गए, आओ आओ आओ। आपका वो फेवरेट सॉन्ग हो जाए। ढम 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 ढोल बजाओ। अंजलि, तारक। अंजलि, तारक। क्या हुआ अंजलि? क्या तारक, मैंने नई ड्रेस पहनी है और आपने तारीफ भी नहीं की। अरे सॉरी 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 अंजलि, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। यही यही चेक करना चाहती थी मैं, ये पुरानी ड्रेस है तारक।
आपको कैसे पता होगा? आजकल आपका ध्यान ही कहाँ रहता है मुझ पर? अभी भी फोन में लगे पड़े रहने दीजिए। अरे अंजलि, तुम्हारे लिए तो फोन देख रहा था। मेरे लिए? हाँ, मैं तो होटल और फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था। छुट्टियों का टाइम है तो मैंने सोचा हम कहीं घूम आते हैं। अरे वाह, मस्त आइडिया है, चलते हैं कहीं। पर कहाँ? कहाँ जाएंगे अंजलि, सब कुछ इतना महंगा है। ये होटल और ये फ्लाइट के रेट तो आसमान छू रहे हैं। हाँ, छुट्टियों का टाइम है ना, इसलिए सब कुछ महंगा हो गया होगा। अंजलि, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन सब कुछ इतना ज्यादा महंगा है कि कैसे जा पाएंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तारक, आपने मेरे लिए सोचा यही बहुत है। लेकिन अंजलि, दिसंबर का महीना है, क्रिसमस है, न्यू ईयर ईव है, सब लोग घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और हम लोग घर पे बैठ के बोर होंगे। अरे बोर क्यों होंगे, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, कोई पार्टी या सेलिब्रेशन यहाँ पर जरूर होगा। अब तक तो ऐसा लग नहीं रहा। तारक, मुझे हमारी टप्पू सेना पर पूरा भरोसा है। देखना, जरूर कोई स्पेशल प्लानिंग कर रहे होंगे। पर अंजलि, परवर कुछ नहीं, आप मुझे बताइए, कहीं पर भी इंजॉय करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? स्पेशल कंपनी। और वो स्पेशल कंपनी कौन है? मेरी महिला मंडल। मजाक कर रही हूँ बाबा, ऑफ कोर्स आप। थैंक यू। वैसे एक बात तो है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में त्योहार और छुट्टियां सबके साथ एक साथ मनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ पर धमाल ही धमाल है। वो बात तो है, अभी ऑफिस जाने दो, अगर ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो ऑफिस में बवाल हो जाएगा। चलो मैं चलता हूं। ओके टिफिन। हां चलो, बाय 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 बाय। आज बापूजी पैंट शर्ट पहन के क्यों अखबार पढ़ रहे हैं? ऐसी क्या खबर छपी है अखबार में? बापूजी कौन है आप? और हमारे घर में आके अखबार क्यों पढ़ रहे हैं? अरे हंस क्या रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कौन है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन है आप? अरे कमाल है, ये तो हंसे ही जा रहे। अरे वाह जेठिया, मिल लिए राम जी काका से। कौन राम जी काका? अरे ये तेरे सामने बैठे हैं वो। आप जानते हैं इनको? अरे मैं क्या, तू भी जानता है। तो मैं क्यों नहीं जानता हूँ? क्या कि मैं इनको जानता हूँ? अरे बिना जेठिया भूल गया। राम जी बता, तू ही बता। अच्छा, इसीलिए सिर्फ हंसे जा रहे थे। ले, तूने कान का मशीन नहीं पहना था? नहीं, अखबार पढ़ते समय मैं मशीन निकाल के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ते समय नीरव शांति चाहिए। अच्छा हाँ बोल चंपक, क्या बोल रहा था? अरे मैं कह रहा था कि अरे तू क्यों चिल्ला रहा है? मैंने मशीन अभी लगा लिया है। अरे हाँ सॉरी सॉरी, अरे मैं ये कह रहा था कि जेठिया भूल गया है कि वो तुझसे कब और कहाँ मिला था, तो तू ही बता। याद नहीं है तुझे? नहीं। अरे हमारी इतनी उम्र हो गई फिर भी हम कुछ नहीं भूले, और तू इतना छोटा होके भूल गया। सॉरी। हम लोग आकाश के मुंडन में मिले थे। कौन आकाश? लो अब तू आकाश को भी भूल गया। हाँ। अरे चंपक, तेरा बेटा बहुत भुलक्कड़ हो गया है, उसे बादाम बादाम खिलाया कर। आकाश मतलब शंभू का भांजा, लक्ष्मण का साला, अशोक का पोता, उसके मुंडन में मिले थे हम लोग। अच्छा हाँ 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 हाँ, याद आया।
अरे क्या तू आकाश के मुंडन में आया ही नहीं था तो कहाँ मिले थे? अरे हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के दिवाली स्नेह मिलन के झमड़वार में मिला था। अच्छा हाँ हाँ बराबर, आकाश के मुंडन में नहीं वहाँ मिले थे। हाँ केम छे बेटा, मजा मा? मजा मजा मजा, तमे केम छे? अरे खाय पीने जलसा। वाह चलो चले। हाँ चल चल। बाबूजी किस तरफ जा रहे हैं? मौड़ी। मौड़ी? वो मेहसाणा के पास में है वो मौड़ी? शंखेश्वर मौड़ी वाला मौड़ी? हाँ हम शंखेश्वर और मौड़ी दोनों जगह दर्शन करने जा रहे हैं। दादाजी आप भार्गव जा रहे हो? हाँ बेटा हम यंग गोल्ड ग्रुप के दोस्त 4 दिन के लिए शंखेश्वर और मौड़ी जा रहे हैं। पर बाबूजी तो आपने हमें बताया नहीं। हाँ दादाजी। अरे मुझे पता चले तब बताऊ ना। क्या मतलब? अरे आज सुबह ही तय हुआ है। आज सुबह? अरे वो क्या है जेठिया, राम जी के बेवाई जो है ना उनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, तो आज वो एक संघ लेके शंखेश्वर मौड़ी जा रहे हैं। तो उन्होंने राम जी को फोन करके बताया कि बस में 8-10 सीट खाली है, तो आपके यंग गोल्ड ग्रुप को आना है। तो राम जी ने हम सबको आज सुबह फोन करके बताया, तो हम सब लोग तो तैयार हो गए। ए मस्त भजन करते करते मजे करते हुए जाएंगे, है ना? चलो चले। हाँ बाबूजी एक मिनट। क्या हुआ? मैं भी अपना सामान पैक कर लेता हूँ। क्यों? मैं भी आता हूँ ना आपके साथ। क्यों? आपका ध्यान रखने है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ पापा आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ ना दादाजी के साथ उनका ध्यान रखने के लिए। अरे तुम दोनों में से किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन बापूजी आप अकेले? अरे अकेला कहाँ जा रहा हूँ, पूरा संघ है मेरे साथ। नहीं नहीं फिर भी। जेठा बेटा चिंता मत कर, सब व्यवस्था है और साथ में डॉक्टर भी है। और सिर्फ डॉक्टर क्या, एक वकील भी है, एक इंस्पेक्टर भी है, एक आरटीओ ऑफिसर भी है। इन सबको साथ में क्यों लिया है? क्यों लिया है मतलब, वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के मेंबर है, सब रिटायर्ड है। अच्छा अच्छा चल रामू। पप्पू जी आपका सामान कमरे में रेडी है, जाते जाते ले लूंगा। चल रामू जरा हाथ देना तो। अरे ले क्यों? क्या हुआ? 2-3 दिनों से घुटने में दर्द है। अच्छा कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं रहने दे रहने दे। अरे तू रख भाई। अरे और तू? मुझे जरूरत नहीं है, चल। हाँ चल टप्पू तू बाबूजी का सामान ले ले, आइए चल। तू कहाँ आ रहा है? आपको नीचे तक छोड़ने। अरे नहीं नहीं तू चाय नाश्ता करके फटाफट दुकान जा, टप्पू है ना, चल राम। बाबूजी एक मिनट। अब क्या हुआ? एक मिनट में आया। क्या है तेरे पापा को? ये लीजिए बाबूजी। अरे नहीं नहीं पैसे है मेरे पास, रखिए ना जेब में, होंगे तो काम आएंगे। अरे नहीं चाहिए जी। क्या बापू जी? अरे जरूरत नहीं है। अच्छा चल ला चल ला। जेठिया भी ना नसीब वालो छे तू। हाँ वो तो हूँ। चल 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 बाबू। जय जिने। एक मिनट बैठा। जय जिने। हाँ जय जिने जय जिने। चल मैं ले लेता हूँ, मैं ले। चल ले चल बापू जी का भी ले ले सामान। चल आजा आजा आइए चल जेठिया। हाँ बाबू जी। हाँ संभाल के जाना। तू चाय नाश्ता करके दुकान जा जल्दी। हाँ फोन अपने पास ही रखना बाबू जी, मैं फोन करता रहूंगा। दादाजी मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी तुझे मिस करूंगा है टपुड़ा। आप मुझे रोज फोन करना दादाजी। हाँ हाँ रोज फोन करूंगा बेटा। दादाजी ऑटो आ गया, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ पूछ ले। अरे यार चंपक तू कितना लक्की है, तेरा बेटा तेरा पोता तेरी कितनी फिक्र करते। हाँ वो तो है, मेरा जेठे और मेरा टप्पू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पर ये टप्पूड़ा है ना वो तो मेरे से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता। दादाजी मैंने इनको बता दिया है कि कहाँ जाना है। ठीक है चल रहा हूँ दादाजी। हाँ खुश रहो खुश रहो।
दादाजी आप अपना ध्यान रखना, टाइम पर खाना खाना, और अगर जरा सी भी आपकी तबीयत ठीक ना लगे ना तो मुझे बताना, मैं तुरंत आपको लेने पहुंच जाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैं तुरंत तुझे फोन करूंगा, ठीक है? लेकिन बेटा तू अपना भी ख्याल रखना है और जेठा का ध्यान रखना। बेटा तू अपने दादाजी की बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग है ना उसका ख्याल रखने के लिए। चल चल हम चल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू तू कहाँ है? मैं नीचे सोसाइटी कंपाउंड में हूँ। तू जल्दी से क्लब हाउस आ जा। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं सब बताती हूँ, तू फटाफट से आ जा बस। हाँ आता हूँ। क्या बात होगी? क्या हुआ फ्रेंड्स, तुम लोग ऐसे सेट सेट क्यों खड़े हो? टप्पू बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा क्या बात है? गोगी तू यहाँ क्यों खड़ा है? मोबाइल में जब सिग्नल नहीं मिलता तो सिग्नल लेने हाइट पे जाता है ना, वैसे हटके आईडिया है, इसके लिए हाइट पे खड़ा हूँ। क्या बोल रहा है ये, कुछ समझ में नहीं आया। अरे बाहर लोग वेकेशन एंजॉय कर रहे, पार्टी कर रहे, घूम रहे, और हम क्या कर रहे? एज यूजुअल कुछ नहीं। और नहीं क्योंकि हमें भी कोई सेलिब्रेशन करना चाहिए कि नहीं? हाँ बाहर सब लोग पार्टी के मूड में, हम लोग भी गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ करते हैं ना। हाँ तो हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे ना। यार सेलिब्रेट करेंगे वो तो ठीक है टप्पू, लेकिन इस बार की सेलिब्रेशन ना कुछ हटके होनी चाहिए। हाँ गोली तू बोल तो रहा है कि कुछ हटके होनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स तुम लोगों ने कुछ सोचा है? टप्पू वही सोचने के लिए तो हमने तुझे यहाँ बुलाया है। हाँ हम सब ने तो बहुत सोचा पर हमें कोई भी नया आइडिया नहीं मिला। हाँ यार ऐसा क्या हटकर करे कि जिससे क्रिसमस सेलिब्रेशन एकदम यादगार बन जाए। दोस्तों मुझे तो लगता है कि गोकुलधाम एक सोसाइटी नहीं बल्कि खुशियों का मेला है, जहाँ पर आप एक मस्ती भरी राइड से उतरे नहीं कि दूसरी मजेदार राइड आपका इंतजार कर रही होती है। अब देखिए ना टप्पू सेना, इस बार वो लोग कुछ अनोखा करना चाहते हैं जो पहले उन्होंने कभी नहीं किया। मतलब ये कि क्रिसमस पार्टी यादगार होगी। जाहिर सी बात है कि टप्पू सेना अगर कुछ प्लान कर रही है तो वो हटके ही होगा, लेकिन हटके करने के चक्कर में झटके ना लग जाएं। आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि गोकुल धाम में झटके मतलब आपके घर पर हंसी और ठाकों के तड़के। दोस्तों एक विशेष बात, दोस्तों आज क्रिसमस है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को मेरी क्रिसमस। सांता क्लॉस की तरह आप सब भी खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। अब देखना यह है कि टप्पू सेना का हटके आइडिया क्या है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.